और खेल जाएगा, पता करेगा कि नहीं होगा इतनी हाई टेम्परेचर नहीं होगा। और शोएब मलिक भी उसकी रिजॉल्व अच्छी है, डिटर्मिनेशन अच्छा है, खेलेंगे दोनों मुझे अच्छी फील होगी। ठीक है, नहीं है चलेंगे जी, क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन है ज़रूरत है दोनों की, एक नॉकआउट मैच है। अगर टेबल पॉइंट्स पे देखा जाए पाकिस्तान 10 पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया 8 पॉइंट, और इसीलिए एक मैच हारी भी हुई है, जबकि पाकिस्तान का इस वक्त तो है 10 पॉइंट ज़्यादा हाई लेवल कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। कैसे देख रहे हैं क्या इसी कम्बिनेशन के साथ पाकिस्तान खेलेगा आसानी से? देखिए अगर ये खराब के दो प्लेयर के अगर कॉम्बिनेशन खिलाएंगे बीच में अच्छा होता है, एक आध जो क्रिकेट मैच थे नबीजिया का स्पॉटेड का, एक आध बेंच का प्लेयर चेक कर लेते, मोहम्मद वसीम जूनियर चेक कर लेते, हैदर अली चेक कर लेते, क्या होता कि अगर खुदा इंजरी टाइम प्लेयर की ज़रूरत पड़ी तो वो रिदम में होता, वो खेला हुआ होता है इस माहौल में, वर्ल्ड कप का हिस्सा होता, नहीं किया तो जाहिर है टीम मैनेजमेंट वो विनिंग कॉम्बिनेशन लेके चल रही थी। लेकिन ये विनिंग कॉम्बिनेशन अच्छा चल रहा है और उसके बाद मोमेंटम है, उसके बाद रिदम है, इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे अच्छा पाकिस्तान के लिए पॉइंट्स टेबल नज़र आया है कि पाकिस्तान की टीम मुसलसल एक थोड़े से महीने के लिए न्यूजीलैंड से नीचे आई थी, लेकिन पाकिस्तान की टीम के लिए पॉइंट्स टेबल बहुत ही खूबसूरत लगा है। लेकिन नॉकआउट में आके सारा पॉइंट्स टेबल धुल जाता है, नया पॉइंट्स टेबल शुरू होता है। अब आपको दो नॉकआउट मैच खेलने, दोनों जीतने हैं, गलती की लूजिंग मैच क्या कहेंगे? पेपर पर देखा जाए तो दोनों टीमें दोनों के पास अच्छी बॉलिंग है, अच्छी बैटिंग है, लेकिन टेलीविजन की बात करें तो वहाँ पर इंडियन तजिया इंडियन पाकिस्तान को बॉलिंग में बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली इतना अच्छा नहीं खेला टी20 क्रिकेट, वेस्ट इंडीज़ में वो हारे, बांग्लादेश में हारे, जबकि पाकिस्तान रिदम टीम है।